क्योंकि लगता ही आदत बन चुकी है कि मोदी का विरोध करना है तो बस करना है। फिर इसके लिए भले क्यों ना संस्कृत के श्लोक में ही अश्लीलता ढूंढ ली जाए और उसी के बहाने पीएम मोदी को ट्रोल किया जाए। यही वजह है कि जब से पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम नाम का संस्कृत श्लोक सुनाया है, कांग्रेस तो जैसे इस श्लोक में ही अश्लीलता ढूंढने लगी है। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को राजधानी दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की पहली बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस बैठक में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना और पीएम मोदी एक मंच पर नजर आए थे और इसी मंच पर पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संस्कृत के मशहूर श्लोक अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम से की। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो भाषण। हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने इस श्लोक के जरिए जहां न्याय को परिभाषित करने की कोशिश की थी तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव पांधी जैसे लोग पीएम मोदी का पूरा भाषण सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बजाय श्लोक के सिर्फ एक हिस्से की वीडियो ट्वीट कर इसे इशारों ही इशारों में अश्लील बताने में जुट गए। कांग्रेसी गौरव पांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो की 11 सेकंड की क्लिप पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज मारते हुए लिखा, सॉरी क्या कहा। श्लोक का सिर्फ एक शब्द पकड़कर उसके बहाने पीएम मोदी को ट्रोल करने में जुटे कांग्रेस नेता गौरव पांधी को ऋषि बागड़ी नाम के ट्विटर यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, सिर्फ एक कांग्रेसी ही संस्कृत के एक शब्द में भी अपने बॉस राहुल गांधी को ढूंढ सकता है जिसका अर्थ है नमक। ट्विटर यूजर धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने लिखा, संस्कृत से इतनी घृणा क्यों है तुम लोगों को, लवण का अर्थ होता है नमक। वैसे हाई स्कूल में अम्ल क्षार लवण नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। अश्लील नरेंद्र नहीं, तुम्हारा विकृत मस्तिष्क अश्लील है। संस्कृत के शब्द लवण में भी अश्लीलता ढूंढने वाले कांग्रेसी नेता गौरव पांधी को सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इसी तरह से लताड़ा है। बहरहाल आपको बता दें पीएम मोदी ने जिस संस्कृत श्लोक का जिक्र किया था वो है अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, यानी जिस तरह विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से भोजन की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही न्याय से शासन की सार्थकता पूरी होती है। इस श्लोक में जिक्र है कि न्यायपालिका के बिना देश को प्रकाश विहीन समझा जाए, यही पीएम मोदी समझाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस इस श्लोक का सिर्फ एक शब्द पकड़कर बैठ गई और इसी के बहाने तमाम मोदी विरोधियों ने सोशल मीडिया पर अश्लील नरेंद्र नाम से हैशटैग भी चलाया। बहरहाल मोदी विरोध में संस्कृत के श्लोक में भी अश्लीलता ढूंढ रही कांग्रेस के लिए फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आप सब यहाँ संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को यह विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं।
इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथ ही दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो, तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है।